हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे सेना एंड अर्धसैनिक में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अर्धसैनिक बल से क्यों अलग है सैन्य बल। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम बताते हैं कि इंडियन नेवी और BSF जैसे फोर्स क्यों अलग हो जाती है अदर सैनिकों से। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि सेना में तीन ही आती है फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम डिटेल्स पाई आप सभी को यहाँ पे हम बताते हैं डिफरेंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पैरामिलिट्री। तो फ्रेंड्स भारतीय सेना, तो भारतीय सेना में फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि भारतीय सेना में तीन ही फोर्स आती है, आर्मी आती है, नेवी आती है, एयर फोर्स आती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना ये एक रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है, नेवी भी रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है और एयरफोर्स भी। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को डिटेल्स में बताते हैं अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स में फ्रेंड्स कौन कौन सी फोर्स आती है। CRPF, उसके बाद फ्रेंड्स आती है BSF, उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को आती है असम राइफल, उसके बाद फ्रेंड्स आती है CIITBP, उसके बाद CISF, उसके बाद SSB। तो फ्रेंड्स ये छः जो फोर्स है पैरामिलिट्री फोर्स है इसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंडर में फ्रेंड्स ये काम अंडर में ये आती है। ठीक है फ्रेंड्स। और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी जो है रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी काम करती है रक्षा मंत्रालय के अंडर में ही काम करती है और ये फोर्स पैरामिलिट्री गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स डिटेल से जानते हैं हम। तो फ्रेंड्स BSF की बता दें कि इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो फ्रेंड्स ये मूल रूप से BSF जो है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की सीमा पर शांति काल में फ्रेंड्स ये अपने मुख्य रूप से ड्यूटी निभाती है। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि जो ये फोर्सें हैं ये शांति काल में ही अपनी ड्यूटी निभाती है पाकिस्तान बॉर्डर पे एंड बांग्लादेश बॉर्डर पे। यदि युद्ध की स्थिति होती है फ्रेंड्स तो जो BSF है उनकी जगह सेना ले लेती है। यानी फ्रेंड्स आप सभी को साफ साफ यहाँ पर बता दें कि आर्मी उनकी जगह पर आ जाती है। BSF को गठन फ्रेंड्स किया गया था शांति काल के लिए ही कि जब कोई युद्ध जैसा स्थिति ना हो तो इनको फ्रेंड्स निगरानी के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान एंड इंडिया को जो सीमा होता है उस बॉर्डर पे रखा जाए एंड बांग्लादेश और इंडिया की सीमा पे रखा जाए। तो फ्रेंड्स इसके लिए BSF का ही गठन हुआ था। युद्ध में वो जो है सेना इनके जगह ले लेती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम पड़ गया कि जो पैरामिलिट्री फोर्सें होती है उसमें BSF भी आती है जिसको बोला जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या स्पेशल बॉर्डर पे ही रहते हैं लोग। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बॉर्डर पे कब रहते हैं तो शांति काल में रहते हैं। जब युद्ध जैसा स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पे इनके जगह पे सेना ले लेती है। तो फ्रेंड्स पैरामिलिट्री जो फोर्सें हैं इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश है उसी सीमा पे रहती है जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आगे बात करते हैं कि कौन सी फोर्सें किस सीमा पे रहती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाती है CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो फ्रेंड्स बता दें कि CRPF जो है ये आतंकवाद, नक्सलवाद और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही इसको फ्रेंड्स गठन किया गया है। यानी फ्रेंड्स बता दें कि देश के अंदर जितने भी नक्सलवाद है, आतंकवाद है उसी के लिए फ्रेंड्स ये CRPF का गठन किया गया है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है यानी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि CRPF जो है ज़्यादा नक्सलवाद प्रभावित इलाके में रहती है जैसे छत्तीसगढ़ हो गया और उधर बहुत सारे नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे जो है मुस्तैद रहती है। और उसके बाद नशेदी कानून का भी जहाँ उल्लंघन होता है वहाँ पे जो होता है दंगा होता है तो फ्रेंड्स वहाँ पे भी जो है CRPF जा करके अपना फ्रेंड्स भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स ये भी फोर्स जो है पैरामिलिट्री के ही अंडर में आती है। यानी आप सभी को बता दें कि गृह मंत्रालय के ही अंडर में ये आती है CRPF जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि CRPF का काम क्या होता है यानी आतंकवाद, नक्सलवाद, कानून व्यवस्था बनाए रखना। यहाँ तक कि फ्रेंड्स ये कितने सारे जो होते हैं
मतलब लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनके साथ भी इन लोगों का रखा जाता है सुरक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो सीआरपीएफ है आप सभी को पता चल गया होगा कि इन लोगों का ड्यूटी क्या होता है और क्या नहीं और किसके अंडर में आती है, तो यह गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं कि कौन सी फोर्स किस में काम आती है। तो फ्रेंड्स अगला फोर्स है आईटीबीपी, जिसको बोलते हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि भारत और तिब्बत की सीमा पे ये आईटीबीपी रहती है, जो कि वहाँ पे जो अवैध तस्कर होते हैं, जो इस देश में इंडिया में यानी अदर देश से भारत में घुसने की फिराक में रहते हैं और घुसपैठ करने के चक्कर में रहते हैं, तो वहीं पे सुरक्षा के लिए इन लोगों का फ्रेंड्स गठन किया गया है यानी आईटीबीपी का। तो आईटीबीपी भारत और तिब्बत सीमा पे रहती है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स जो देश के अंदर कितने सारे इनके क्या बोलते हैं छावनी होता है, तो छावनी में भी ये होते हैं, जहाँ कि इन लोगों का भी कानून व्यवस्था को फ्रेंड्स जो है सुधार करने के लिए जहाँ दंगा उत्पन्न होता है वहाँ भी इन लोगों को बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी समझ गए होंगे कि आईटीबीपी का काम क्या होता है, ये भी जो है आईटीबीपी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो अगला फोर्स फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सीआईएसएफ। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी आप सभी को बता दें कि सीआईएसएफ की मूल रूप से फ्रेंड्स ये काम होती है, जैसे कि सरकारी कोई उपक्रम हो, मेट्रो सेवा हो, गन फैक्ट्री हो, जैसे कि फ्रेंड्स बोलते हैं और जैसे कितने सारे जो है जो ऑफिस होते हैं सरकारी कर्मचारी, जैसे कि लबसाना हो गया और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा जो है सरकारी उपक्रम है वहाँ पे इन लोगों का तैनात किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता चल गया होगा कि सीआईएसएफ का मूल रूप से काम क्या होता है, इन लोगों का मूल रूप से काम होता है जितने भी सरकारी उपक्रम है उसको सुरक्षा मुहैया कराना, जैसे एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, सरकारी उपक्रम जैसे गन फैक्ट्री, जैसे वहाँ पे लबसाना जहाँ पे आईएएस का ट्रेनिंग होता है, जैसे यूपीएससी भवन, जो मेन मेन फ्रेंड्स यहाँ पे भारत सरकार का उपक्रम है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे इसरो हो गया, वहाँ पे इन लोगों का फ्रेंड्स रखा जाता है सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता चल गया होगा कि सीआईएसएफ भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंडर में ये भी काम करती है। तो इन्हीं लोग को फ्रेंड्स बोला जाता है पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बल। तो चलिए फ्रेंड्स अगला फोर्स की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर वो आती है असम राइफल्स। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि असम राइफल जो है ये नागालैंड में और असम में ये अपना जो है ड्यूटी देती है, जो कि इन्हें असम के उग्रवादी जो भी हैं उन लोगों से निपटने के लिए फ्रेंड्स असम राइफल का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि असम राइफल सेम इंडियन आर्मी की तरह ही फ्रेंड्स जो है ड्यूटी देती है और ये सब जो जिसका नेचर है सेम इंडियन आर्मी के ही तरह है। एंड फ्रेंड्स आप सभी को बता दें यूनिफॉर्म के बारे में, तो सेम इंडियन आर्मी के ही तरह है ये भी असम राइफल का वर्दी यानी यूनिफॉर्म, यहाँ पे लोगो जो है अलग हो जाता है इंडियन आर्मी से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फैसिलिटी की बात कर लें तो इंडियन आर्मी की ही तरह सारी सुविधा यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलता है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे रिलेशन भी बन जाती है, जो कि जो असम राइफल में ज्वाइन किए हैं उनके पुत्र यदि बेटे हैं वो भी इंडियन आर्मी का रिलेशन देख सकते हैं, रिलेशन से बहाली वहाँ पे जो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा असम राइफल का भी जॉब है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले फोर्स की बात कर लेते हैं, अगला फोर्स कौन सी है। तो फ्रेंड्स अगला फोर्स है एसएसबी, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। यानी फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि एसएसबी का मुख्य रूप से काम है भारत और नेपाल के बॉर्डर पे सुरक्षा मुहैया कराना, क्योंकि कितने सारे जो तस्कर होते हैं भारत से नेपाल में घुस जाते हैं और तस्करी करते हैं, तो इनको गठन किया गया स्पेशल फ्रेंड्स यहीं के लिए, यानी एसएसबी को गठन किया गया नेपाल एंड भारत के बॉर्डर पे रहने के लिए, ताकि कोई भी तस्कर जो हो भारत में प्रवेश ना करे और कोई भी चीज़ को अंजाम गलत चीज़ का अंजाम ना दे। तो फ्रेंड्स एसएसबी का मुख्य रूप से यही काम होता है भारत एंड नेपाल सीमा को वहाँ पे सुरक्षित रखना और सुरक्षा मुहैया कराना। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ये फोर्स है एसएसबी भी, इसका जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके बारे में अगले बात हम करते हैं अगली फोर्स की। तो फ्रेंड्स ये भी जो है एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो अगला फोर्स फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के बीच मंत्रालय में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि मंत्रालय में अंतर यही है कि सेना जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है और बाकी जो फोर्स है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि क्या क्या इसमें मंत्रालय में अंतर है।
तो फ्रेंड्स सेना रक्षा मंत्रालय के अंदर में आती है, सेना में आ जाती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। जो कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि अर्धसैनिक बल कौन कौन से फोर्स होते हैं, तो बारीकी से फ्रेंड्स आप सभी को हम समझाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम समझाते हैं यहाँ पे सुविधाओं में अंतर क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि सुविधा में बहुत अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे सेना जो होती है इन लोगों को पेंशन दिया जाता है, बट जो पैरामिलिट्री फोर्स में जितने भी फोर्सेज आती है जैसे CRPF, BSF, IDPP, CISF, असम राइफल, SSB, इन लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे पेंशन नहीं दिया जाता है। यानी 2004 से फ्रेंड्स ये जो है पेंशन समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है इन लोगों में नया नियम लागू किया गया NPS, यानी उसको हम बोल सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। यानी फ्रेंड्स 2004 के बाद जो भी पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करेंगे उन लोगों का यहाँ पे पुरानी पेंशन नहीं दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्स में जो न्यू पेंशन स्कीम NPS लागू किया गया है उसी के तहत इन लोगों का वेतन मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो है पहले जो मिलता था पेंशन वो मिलता था जैसे कि आप लोगों का सैलरी 50,000 है तो उसका फ्रेंड्स आधा यानी 25% आप लोग पेंशन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स वो जो है स्कीम समाप्त कर दिया गया, तीन ही फोर्स में रखा गया है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में। तो फ्रेंड्स कितने सारे जो है पूर्व कर्मचारी कितने बार भी आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि हम लोग का भी पेंशन दिया जाए। तो फ्रेंड्स आप सभी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताएँ कि क्या पैरामिलिट्री फोर्स का भी पेंशन होना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स ये बहुत गलत है, सेम ही ड्यूटी देती है ये भी फोर्स वो भी फोर्स, बट यहाँ पे फ्रेंड्स भेदभाव होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर ले सैनिकों की संख्या की, तो सेना में 13 लाख प्लस संख्या यहाँ पे है और अर्धसैनिक की बात करें फ्रेंड्स पूरे फोर्स के मिलाकर के CRPF, BSF, IDPP, CISF, असम राइफल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 10 लाख प्लस है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें रैंक के बारे में। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि सेना में जो रैंक होती है मेजर होता है, जनरल होता है, कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है, हौलदार होता है और सिपाही औदर यहाँ पे पोस्टें होती है। और यदि हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लें पैरामिलिट्री फोर्स की, तो कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, ASI होता है, SI होता है, असिस्टेंट कमांडेंट होता है, कमांडेंट होता है, DIG होता है, IG होता है और DG जैसे इसमें पोस्टें होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन जो पैरामिलिट्री फोर्स है इन सभी को पेंशन होना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए भी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।